अमीन ही जो हमारे जो अमीन होते हैं वे अभी प्रपत्र दो लोगों से प्राप्त करते हैं, वंशावली प्राप्त करते हैं, रसीद हो, मालगुजारी रसीद, वो अपना मालगुजारी रसीद लगाते हैं। किसी ने अगर ज़मीन परचेज की है, लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अपने यहाँ भी 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार में 20 अगस्त से ज़मीन सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और आपको ये भी मालूम है कि ज़मीन सर्वेक्षण का काम बिहार में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और इसको लेकर के लाइव सिटीज़ भी आपको लगातार छोटी बड़ी अपडेट भी दे रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ है। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर के औरंगाबाद डीएम श्रीकांत शास्त्री ने भी बड़ी बात कही है। देखिए, उन्होंने बता दिया है कि आखिर जमीन सर्वे का पैटर्न क्या कुछ होने जा रहा है। तफसील के साथ उन्होंने हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं औरंगाबाद के डीएम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। और सभी 202 पंचायत में हमारे पास 1846 राजस्व ग्राम है। नगर निकाय क्षेत्र में 38 राजस्व ग्राम है। अभी हम लोग पंचायतों में कार्य करा रहे हैं, मतलब रूरल एरियाज में हम लोग विशेष सर्वेक्षण का कार्य करा रहे हैं। हमारे शिविर में शिविर प्रभारी होते हैं, साथ में कर्मी होते हैं, एक क्लर्क होता है और मौजा के अनुसार से अमीन होते हैं। अमीन ही जो हमारे जो अमीन होते हैं वे अभी प्रपत्र दो लोगों से प्राप्त करते हैं, वंशावली प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही बताया है और सरकार के द्वारा बार बार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि जो प्रपत्र दो है वो व्यक्ति खुद जो है, जो जमीन का मालिक है, वो अपना जमीन का ब्यौरा देगा, साथ में उसका साक्ष दे देगा। हो सकता है किसी के पास साक्ष के रूप में रसीद हो, मालगुजारी रसीद, वो अपना मालगुजारी रसीद लगा देगा। किसी ने अगर ज़मीन परचेज की है तो वो केवाला लगा देगा, कोई साक्ष एक दे देगा, उससे हम लोग लेकेट कर पाएंगे कि ये ज़मीन उसी व्यक्ति की है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अपने यहाँ भी 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है। कितना सर? सरकार का पोर्टल है 30,000 यहाँ जमा किए हैं। 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन जमा किया है। मोर देन 40,000 लोगों ने ऑफलाइन अपना रिकॉर्ड विहित प्रपत्र में जमा किया है। हमारा अमीन इसे ऑनलाइन करता है, डिजिटाइज करते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन कर देता है। इसीलिए सरकार के द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण के जो नियम हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रकाशित हो रही है। हम लोगों ने भी अपने शिविर में प्रपत्र कैसे भरा जाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातों की जानकारी हम लोग दे रहे हैं। हम लोगों ने हेल्प डेस्क लगाया है, कानून को हमारा बैठते हैं वहाँ पर, क्योंकि कानूनों को पूरी जानकारी है। अब पूरी जानकारी लोगों को मुहैया कराई जा रही है। हम लोग भी फील्ड में विजिट कर रहे हैं, हम लोग ये पा रहे हैं कि लोगों में अब असमंजस की स्थिति नहीं है। अब लोग समझ गए हैं कि क्या करना, कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म का भी हम लोगों ने मॉडल के रूप में फॉर्म भर करके सब जगह हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है, ताकि लोग समझे कि फॉर्म भरने में कैसे भरना है। कुछ शुरू के दौर में कुछ गलतियाँ लोगों से हो रही थी, समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब वो इसमें नहीं रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंग्रेज के समय के बाद, मतलब अंग्रेज के समय में ही 1908 से 10 से 15 वर्ष लगा था। उस समय 1905 से लगभग 1920 तक गए, उसमें कैडस्ट्रल सर्वे मैप तैयार किया गया था। उसका विधिवत 1980 में भी तैयार किया गया था, जिसको बोलते हैं रिवर्सल सर्वे में। उसके बाद सरकार इसको अभी इसे सर्वेक्षण के माध्यम से कार्य करा रही है। इसमें है कि हमारा जो मैप है, जो खतियान है, वो अपडेट हो जाता है और जो हमारे पास भूमि के शिकायतें जो आती हैं
वो इससे काफ़ी हद तक, मैं तो कहूँगा 70% वो दूर हो जाएगा, वो समस्याएँ खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार की प्रायोरिटी में है ताकि भू जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए हमेशा के लिए। तो जैसे कि मैं, हम लोगों ने पहले भी लोगों को बताया है कि वंशावली में आपको खुद डिक्लेयर करना, स्व घोषणा करना है, इसके लिए किसी नोटराइज की जरूरत नहीं है, किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कराने की जरूरत नहीं, किसी प्रतिनिधि से कराने की जरूरत, स्व घोषित वंशावली आपको अटैच कर देना है। जमीन के साक्ष्य के रूप में जो भी पेपर हो, जैसे मैंने अभी बताया, वो आप लगा दीजिए और आप ऑफलाइन पत्र प्रपत्र हमारे अमीन के पास में जमा कर दीजिए। हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है इसको, जो कार्यालय है कार्यालय में हमारे कर्मी में हमारे पदाधिकारी बैठता है, हमारा कर्मी जो बैठता है हर काम को बैठते हैं, कुछ हमारे जो अमीन है वो भी वहाँ बैठते हैं जी, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी हम लोगों ने अपने अमीन को बैठाने का प्रयास किया है ताकि लोगों को अधिक दूरी तय करना नहीं पड़े। पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन हमारे सभी जगह हैं, तो लोगों को इससे सुविधा मिल रही है और लोग कम दूरी तय करते हुए भी पूरी चीज़ों को समझते हुए अपना प्रपत्र, अपना विहित प्रपत्र और अपना दस्तावेज के साथ में जमा कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री ने, देखिए तफसील के साथ बताया है, पैटर्न समझाया है और बता दिया है कि रैयतों को क्या कुछ करना है, बता दिया है कि पेज कहां पर फंस रहा है और उस पेज को सुलझाना कैसे है। तो तमाम तरह की जानकारियां आपको दी हैं, तो फिर ये पूरी खबर, ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया। अमीन ही जो हमारे हमारे जो अमीन होते हैं वो अभी प्रपत्र दो लोगों से प्राप्त करते हैं, वंशावली प्राप्त करते हैं, रसीद हो, मालगुजारी रसीद, वो अपना मालगुजारी रसीद लगाते हैं। किसी ने अगर ज़मीन परचेज की है, लोग बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अपने यहाँ भी 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है। कितना सर? सरकार का पोर्टल है 30,000 यहाँ जमा किए हैं, 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन जमा किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन जमा किया है, मोर देन 40,000 लोगों ने ऑफलाइन अपना रिकॉर्ड विहित प्रपत्र में जमा किया है। हमारा अमीन इसे ऑनलाइन करता है, डिजिटाइज करते हुए पोर्टल पर ऑनलाइन कर देता है। इसीलिए सरकार के द्वारा एक समझा पत्रों के माध्यम से